कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के क्लास में एक नए तरह का खेल, जिसे हमें तरह तरह के खेल इसके रूप में लेकर के आए हैं। आप सब ने पहले भी बहुत सारे खेल खेले होंगे, कुछ हमने स्कूल में खेले हैं, कुछ हम बाहर भी खेलते हैं ना बच्चों। तो आज हम आप लोग के साथ तरह तरह के खेल, जो बहुत सारे खेल होते हैं, उसे लेकर के मैं आप लोग के सामने आई हूँ और मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये खेल को कैसे खेला जाता है। बहुत दिन हो गए ना, हम तो स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल बंद है और हमें स्कूल जाने का मन होता है, पर हम स्कूल नहीं जा सकते, अभी नहीं जा सकते हैं ना। और हमको अभी घर में रह करके इनडोर ही गेम हम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम हम नहीं खेल सकते। तो बहुत सारे खेलों के यहाँ नाम होते हैं जिन्हें हमें जानना है, उसमें कितने लोग खेल सकते हैं, उसमें क्या क्या लगता है, ये सब हमें आज देखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए, सबके पास है ना। देखो ये प्रतिभा हिंदी पाठ माला है ना बच्चों, सबके पास। गुड, सब अपना अपना बुक्स खोलिए। नाइस, अब आप लोग इसमें पेज नंबर 8 निकालिए। देखिए पेज नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। आदित्य आपने निकाला, गुड। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, तरह तरह के खेल, और ये पिक्चर के माध्यम से हमें बताना है। हमने स्मार्ट कार्ड में भी आप लोग को दिखाया था ना, कई सारी कविताएं दिखाई थी, कई सारे मतलब मनोरंजक कहानियां
में नहीं है। अगर क्लास में रहते तो आप मुझे क्लास में पूछते, और अभी हम क्लास में नहीं है तो आप क्या करेंगे बच्चों, मुझे कॉन्टेक्ट कर करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से इसे बताऊंगी, ठीक है। और इसी से आप लोग का ये कहानी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें से आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है, जिसे आपको आपके बुक में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है ना, इसमें 3 प्रश्न दिए हैं, आप लोग को बताना है इस प्रश्नों का उत्तर मेरे को देना है। पहला है चित्र में कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं, दूसरा है इन खेलों में से कौन कौन से खेल आप खेलते हैं, और तीसरा है आपको कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद आता है या आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को मुझे देना है, ठीक है बच्चों। अपनी कॉपी में करके मुझे सेंड कर देना, मैं उसे चेक करूंगी, ठीक है। और अगली बार अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर लेकर के आप लोग के सामने आऊंगी। तब तक के लिए आप लोग रेगुलर हैंड वॉश करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जब भी अगर कहीं बाहर जाना हो और बहुत जरूरी हो तो अपने मम्मी पापा के ही साथ जाएं, ठीक है। धन्यवाद।